फिरोजाबाद तीसरी बार मोदी सरकार की शपथ ग्रहण पर शहर में जश्न मनाया गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न देखा गया। शहर के जैन मंदिर चौराहे पर आतिशीबाजी और मिष्ठान वितरण किया गया। ढोल नगाड़ों की तान पर कार्यकर्ता नाचते नजर आए। विश्व हिंदू परिषद और युवा मोर्चा सहित बीजेपी के सभी नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। फिरोजाबाद से देखिए राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। दूसरी बार किसी सरकार ने अपना तीसरी बार आंकड़ा छुआ है, लेकिन ये इतिहास में दुआ हो रहा है। गैर कांग्रेस सरकार ने पहली बार ऐसा किया है और ये उत्पत्ति जनसमूह है प्रदेश नेतृत्व के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए। ये चेतावनी है यहाँ बैठे 1800 के लिए जिन्होंने हार गए लोकसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाकर पार्टी प्रत्याशी को हराने काम किया है। ये जनसमूह प्रदेश नेतृत्व के लिए आह्वान है कि मठाधीशों को हटाकर इन युवा चेहरों को, जो युवा चेहरे पिछले 25-30 साल से लगातार लगे हुए अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी पैसा खर्च कर रहे हैं, ऐसे लोगों को एक बार मौका दिया जाए। आखिर मठाधीशों को मौका कब तक मिलेगा, इन युवा नेताओं का नंबर कब आएगा, इतना निवेदन करता हूँ। साथ में आपके माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष को भारतीय जनता पार्टी की तृतीय बार एनडीए सरकार की तरफ से अब संपूर्ण भारतवर्ष को शुभकामना प्रदान करता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं और इसी खुशी में आज यहाँ के रामलीला के काट बाजार के दुकानदार और समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण किया और उनका लाइव शपथ ग्रहण यहाँ पर देखेंगे और इसलिए आज टीवी स्क्रीन की व्यवस्था की है। पूरे देशवासियों में 140 करोड़ देशवासियों में आज हर्ष का विषय है। आज ऐतिहासिक दिन है, लोकतंत्र का ऐतिहासिक दिन है। आज कोई भी गैर कांग्रेसी व्यक्ति आज देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक रच दिया है और देश की जनता में पूरी तरीके हर्ष व्यक्त है और हर भारतीय की यही तमन्ना थी राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री, आज वो सच हो गया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री उत्साह है, खुशी का माहौल है और आतिशबाजी, मिष्ठान वितरण, ढोल नगाड़ों के साथ ही का